हम लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन के बाद एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन देख लो। एवरेज का अर्थ होता है औसत, इसको हम लोग औसत अभिक्रिया दर देख। तो सबको ये जान दे, सबसे पहले कॉन्सेप्ट लाइए कि एवरेज शब्द, अगर यहाँ पर एक नया शब्द इसमें ऐड हो गया है रेट ऑफ रिएक्शन में, एवरेज, तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में सबको क्लियर है कि चेंज इन कंसंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करते हैं, लेकिन एवरेज का मतलब हो गया जब मान तुमको एक से अधिक हो, इट मीन्स अगर समय इंटरवल अगर ज़्यादा हो तब हम लोग क्या करते हैं एवरेज निकालते हैं। जैसे इस क्लास में सभी स्टूडेंट के एज का एवरेज हम लोग निकालते हैं। एवरेज क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सबका एज अलग अलग है और उसके बाद संख्या एक से अधिक है, तो ऐसी स्थिति में सबके एज को जोड़ करके संख्या से भाग देते हैं, तो क्लासरूम का एक एवरेज एज ज्ञात होता है। तो इट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो टाइम इंटरवल जो है वो बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पर देख लो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करें, इसको हम लोग आर एवरेज से दिखाते हैं। आर एवरेज, तो आर एवरेज बराबर हो जाएगा फिर कि जो हम लोगों को माइनस डेल कंसंट्रेशन चेंज, देख लो यहाँ पर डेल मतलब हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज को हम लोग डेल से दिखाते हैं, ये ब्रैकेट जो है वो कंसंट्रेशन का सिंबल है और आर हो गया रिएक्टेंट, और निगेटिव चिन्ह दिखलाता है कि डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। ध्यान से सब कंसेप्ट को, पीछे वाला बात कुछ ना कुछ परिभाषिक शब्दावली से बताए हुए हैं, इसलिए किसी को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब बात अभी रिपीट हो जाएगा और छोटी छोटी एक एक लाइन पर एकदम ध्यान से ध्यान दीजिए, सब बात एकदम नॉन स्टॉप एकदम कंसेप्ट के साथ हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर ध्यान देंगे तो सारी बातें समझ में आएगी। यहाँ पर माइनस मतलब डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, मतलब यह घटने के सूचक है, और हम लोग ये बात पहले ही देख चुके हैं कि रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में बदलेगा तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो इसका मतलब घटने का चिन्ह माइनस, परिवर्तन का चिन्ह डेल, और उसके बाद कंसंट्रेशन का सिंबल हम लोग को ब्रैकेट, और रिएक्टेंट को हम लोग आर से दिखा रहे हैं। इसका मतलब सीधा हो गया चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इट मीन्स डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बाय अगर टाइम इंटरवल हम लोग ज़्यादा लेंगे, इट मीन्स डेल टी, क्योंकि जो बड़ा इंटरवल होता है उसको डेल से और छोटा को डी से दिखाते हैं, तो यहाँ पर टाइम इंटरवल हम लोग डेल टी टाइम इंटरवल में रेट निकाल रहे हैं, तो ये हम लोगों को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो ये तो रिएक्टेंट के टर्म में हुआ। अब हम लोग जानते हैं जिस तरह से रिएक्टेंट ब्रेक करेगा उस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हम लोग इसको प्रोडक्ट के टर्म में दिखा सकते हैं कि प्रोडक्ट का सांद्रण तो बढ़ेगा समय के साथ, तो इसलिए इसका पॉजिटिव, और यहाँ पर हो गया डेल कंसंट्रेशन ऑफ पी, अब बाय हो गया डेल टी, डेल कंसंट्रेशन, इसका मतलब फिर इनक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इट मीन्स दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में परिवर्तन है, परिवर्तन बढ़ना और घटना दोनों हो सकता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है कंसंट्रेशन, और हम लोग सामान्य वे में रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो धीरे धीरे रिएक्टेंट का सांद्रण घटेगा प्रोडक्ट का बढ़ेगा, तो इस आधार पर प्लस डेल पी बाई डेल टी, यह हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में इतनी बातें हैं कि ये टाइम इंटरवल हम लोगों को होगा, लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने में हम लोगों को एक प्रकार से कह सकते हैं आर एवरेज बराबर माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ आर, कंसंट्रेशन ऑफ यहाँ है पी, मींस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो एवरेज के बाद देख लीजिए फिर है इसी में दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में क्या है, इसको कहते हैं तात्क्षणिक अभिक्रिया दर, एकदम केवल ध्यान से बोर्ड पर सुनते रहिए और कुछ नहीं।
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. इट मीन्स इफ वी आर कैलकुलेटिंग ए स्पेसिफिक रेट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तात्क्षणिक मतलब किसी छोटे समय में, इसका मतलब यहाँ पर समय एक इंटरवल था, एक बड़ा मान था, लेकिन यहाँ पर समय क्या हो गया, छोटा. तब छोटा से कितना छोटा, तो सामान्य बात है कि हम लोग अगर इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो पहले ये देख लो कि आर एवरेज बराबर है, आर एवरेज बराबर हम लोगों को ऐसे कह सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन डेल एक्स बटे डेल टी, ये हो गया. लेकिन इसी टर्म में क्या किया जाए, इसी टर्म में अगर हम लोग यहां पर जो रिलेटेड जो आर एवरेज का टर्म है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, आर इंस्टेंटेनियस अगर यहां पर लाया जाए तो तुमको जो टर्म ऊपर दिया हुआ है डेल एक्स बटे डेल टी चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम, इसमें सिर्फ क्या होगा कि एक लिमिट लगाएंगे और इस लिमिट में क्या लिखेंगे कि आपका जो समय है वह जीरो के तरफ जा रहा है. इसका मतलब समय आपका बहुत छोटा हो गया. तो समय जब बहुत छोटा हो गया तो ऐसी स्थिति में जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तुमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा. मतलब सिर्फ समय छोटा होगा तो निश्चित रूप से कंसंट्रेशन चेंज भी क्या होगा, कम होगा. तो हम लोग इसको डेल एक्स बटे डेल टी में अगर टाइम का मान टेंस टू जीरो लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया कि यहां पर जो डेल वाला टर्म हम लोग प्रयोग किए हैं उस टर्म को अब हम लोग डी में बदल सकते हैं, क्योंकि लार्ज चेंज बड़ा परिवर्तन के लिए डेल और इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए, बहुत छोटे चेंज के लिए, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के लिए डी का प्रयोग करते हैं, और वहां डेल टी टेंस टू जीरो इस चीज को सूचित करता है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी टी, डी एक्स बटे डी टी. तो अब देख ली यहां पर ये वाला जो भाग है डेल एक्स बटे डेल टी, यह हम लोगों को कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन है, तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो हम लोग कह सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू यहां पर हो गया लिमिट डेल टेंस टू जीरो, और ये हो गया तुमको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन. तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को आर एवरेज से, और इसमें कंडीशन क्या लगा हुआ है डेल टी टेंस टू जीरो. मतलब जब एवरेज तो एक बड़े टाइम इंटरवल में हो रहा है या एक टाइम इंटरवल में हो रहा है, एक समय अंतराल में हो रहा है, लेकिन जब यह समय अंतराल तुमको जीरो के तरफ बढ़ रहा हो, इट मीन्स इसका मान बहुत छोटा हो, इनफाइनाइट स्मॉल वैल्यू की ओर हो, तो ऐसी स्थिति में यही एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कन्वर्ट कर जाएगा किसमें, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन में. तो यह इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का कॉन्सेप्ट और फार्मूला हो गया. ठीक है, अब देखिए फिर तो हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और इससे पहले हम लोग देखें कौन सा, इससे पहले वाला टर्म हम लोग अगर बात करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन अभिक्रिया दर या वेग, अभिक्रिया दर या वेग की बात की है, वेग की बात की. ठीक है, देख लो, ध्यान दो. तो बात यहां पर सिर्फ हम लोग को किस चीज का आ रहा है, अगर इस दोनों कंपैरिजन में देखे तो कंडीशन किस में लग रहा है, टाइम में, सिर्फ कंडीशन टाइम में. तो हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन अंडर दिस कंडीशन. अब ध्यान दो, हम लोग जो बातें अभी देखे हैं अब उसको हम लोग सवाल में पहले प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते हैं. इट मीन्स अब हम लोग एक्सप्रेशन निकाल रहे कुछ रिएक्शन का, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन. देखो ध्यान दो, एक्सप्रेशन मतलब व्यंजक, रेट ऑफ रिएक्शन का व्यंजक. तो रेट ऑफ रिएक्शन नाम ये है, रेट हम लोग रिएक्शन का, तो पहले तो रिएक्शन दिखाना होगा. तो सपोज दैट एक जनरल रिएक्शन हम लोग एक काल्पनिक रिएक्शन लेते हैं ए प्लस बी और गिब्स हो गया सी प्लस टी, मान लो यह रिएक्शन, इसका रेट एक्सप्रेशन निकालना. तो रेट एक्सप्रेशन निकालना है तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करें तो बराबर सीधे तौर पर इसको हम लोग डी एक्स बटे डी टी लिखते हैं, डी एक्स बटे डी टी, और डी एक्स बटे डी टी बराबर हो जाएगा माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे बटे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए, अब बाय हो गया तुमको डी टी.
अभी था ना, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बटे टाइम टेकन। तो यही चेंज इन कंसंट्रेशन में यहां पर कौन है रिएक्टेंट के रूप में, ए, और ये बराबर हो जाएगा माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डी टी, क्योंकि दोनों रिएक्टेंट ही है और दोनों का कंसंट्रेशन टाइम के साथ क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए दोनों में माइनस। ये रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसके हो गया, रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट के रेस्पेक्ट में। लेकिन प्रोडक्ट के रेस्पेक्ट में भी हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन किस चिन्ह के साथ, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव क्योंकि रिएक्टेंट टूटेगा तो किस में बदलेगा, प्रोडक्ट में। तो हम लोग यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की हम लोग बात करते हैं, डी एक्स बटे डी टी इज इक्वल टू, अब देखो प्रोडक्ट के, तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बटे डी टी, हम लोग कह सकते हैं प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बटे डी टी, ये रेट ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू हो गया तुमको प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट। अब देखिए इसमें ये भी रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी रेट ऑफ रिएक्शन है सेम रिएक्शन के लिए, इट मीन्स सबको आपस में बराबर कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं डी एक्स बटे डी टी, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन बराबर हो गया, देख लो, देख लो एक को ध्यान से अगर देखें सारी बातें समझ में आएगी, माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटे डी टी बराबर हो गया फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटे डी टी, देख लो यहां पर और यहां पर भी, ए के बाद कौन, बी, फिर बराबर हो गया ये रेट ऑफ रिएक्शन प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बटे डी टी बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बटे डी टी, ये हो गया। तो ये पूरा हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन हो गया एक रिएक्शन के लिए। अब मान लीजिए इसी में दूसरा एक स्पेसिफिक रिएक्शन हम लोग लेते हैं, जैसे H2 plus I2 gives हो गया 2HI इस रिएक्शन के लिए लेते हैं। तो फिर देखो अब तुमको इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप रेट इक्वेशन पे आइए, रेट इक्वेशन पे आओ, तो यह हम लोग को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन तो बराबर हो जाएगा, देख लो इसमें रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट में माइनस, तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ एच टू बटे हो गया डी टी इज इक्वल टू, फिर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ आई टू बटे डी टी, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, एकदम सिर्फ ध्यान से बोर्ड पर देखना है, तो यह हो गया। और बराबर फिर अब ये जो प्रोडक्ट होगा तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ एच आई बटे हो गया डी टी, लेकिन यहां जो ये तुमको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर को हम लोग यहां पर प्रयोग कैसे करेंगे, पहले ये जान लीजिए, ये जो भी नंबर कहीं भी आएगा जैसे 2 है तो यह तुमको 1 बाय 2 हो जाएगा, मतलब वह भाग में डिवाइड में हो जाएगा। अगर यहां 3 रहता तब यहां i2 के साथ 1 बाय कितना 3, अगर यहां 5 रहता तो 1 बाय 5, इस तरह से यह तुमको रेट एक्सप्रेशन हो गया रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। आगे हम लोग अब यहां पर ध्यान दें कि रेट एक्सप्रेशन, रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड हम लोग को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और रेट एक्सप्रेशन, उस पर आधारित प्रश्न को हम लोग देख लिए। हम लोग अभी देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन सा फैक्टर है किसी रिएक्शन का जो कि उसको इफेक्टेड कर सकता, प्रभावित कर सकता है। तो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को, रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित इफेक्टेड करने वाले फैक्टर, प्रभावित करने वाले कारक, इस पर हम लोग काम करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक रेट ऑफ रिएक्शन को, ध्यान दीजिए। तो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत सबसे पहला आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टेंट हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन जो शुरू होगा तो रिएक्टेंट हम लोगों को रिएक्शन शुरू करेगा और उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे समय के साथ घटेगा और किस चीज का निर्माण होगा, प्रोडक्ट का। तो देखो तो इस इट मीन्स नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स कैसे इफेक्टेड करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके बारे में इट मीन्स इसको हम लोग कहते हैं अभिकारक की प्रकृति, अभिकारक की प्रकृति, नेचर। ध्यान से देखिए
पहला, सबसे पहला एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। इट मीन्स यहां पर ध्यान दो, नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन हम लोग जो देख रहे हैं कि रिएक्टेंट, जैसे सपोज दैट ए प्लस बी गिव्स हो गया सी प्लस टी, इट मीन्स जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो आपस में क्या करेगा, टक्कर करेगा, कॉलिजन करेगा, लेकिन उस कॉलिजन में सभी कॉलिजन प्रभावी नहीं होगा। जैसे भर दिन में हम लोग बहुत चीज पढ़ते हैं लेकिन रिजल्ट में क्या कन्वर्ट होगा, इट मीन्स उसको हम लोग कहते हैं इफेक्टिव वर्क। जरूरी नहीं सब काम प्रोडक्टिव हो जाए, इट मीन सब प्रोडक्ट में चेंज हो जाए, इट मीन सबसे हम लोगों का रिजल्ट आ जाए, ऐसा नहीं होगा। इट मीन हम लोग जो उपयोगी काम कर रहे हैं, जिससे प्रोडक्टिव हो रहा है जो वर्क है, उसको हम लोग कहेंगे इफेक्टिव कॉलिजन। मतलब जब रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कॉलिजन करेंगे तो कॉलिजन में कुछ कॉलिजन ऐसा होगा जो फॉल्स भी होगा और कुछ कॉलिजन ऐसा होगा जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए इफेक्टिव होगा, तो उसको हम लोग इफेक्टिव कॉलिजन के अंतर्गत रखते हैं। तो इट में सीधा है कि जितना, अब तुम कहोगे कि इफेक्टिव कॉलिजन का पता कैसे चलेगा कितना इफेक्टिव कॉलिजन हो रहा है, तो इट में सीधी बात है, ये तो प्रैक्टिकल की बात है। तो हम लोग यहाँ पर नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिज ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की, हम लोग नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, ये बात हम लोग लिख लिए। तो आते हम लोग नेचर पर, सबसे पहला लेते हैं स्टेट्स की बात लेते हैं, स्टेट ऑफ रिएक्टेंट या स्टेट्स ऑफ रिएक्टेंट। स्टेट मतलब हो गया अवस्था, इट मीन्स अवस्था की बात करते हैं, मतलब अवस्था या भौतिक अवस्था, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में रिएक्टेंट गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों स्टेट में हो सकता है। तो आज सबसे पहले तो ये देखो, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलिजन करेगा, टक्कर करेगा, तो जो मॉलिक्यूल्स है उसको क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए। अगर वह फ्री नहीं होगा तो कभी भी वह टक्कर करने के लिए बाध्य नहीं होगा, या बाध्य क्या हम लोग कह सकते हैं, आसानी से टक्कर वह नहीं करेगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि तीनों स्टेट में सबसे ज्यादा फ्री मॉलिक्यूल्स किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, सबसे कम सॉलिड। इट मीन सॉलिड का हम लोग को शेप साइज या सर डिफिनिट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं निश्चित रूप से यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा किस स्टेट का हो जाएगा, गैसियस। उसके बाद रिएक्टेंट के लिए तब हम लोग कह सकते हैं लिक्विड, द्रव अवस्था के लिए, और सबसे कम हो गया तुमको सॉलिड। अब देख लो यहां फिर बात करें हम लोग अगला। अब देखो मान लो जैसे एक लकड़ी का टुकड़ा है और उसी टुकड़ा को अगर हम लोग पीस करके महीन बुरादा या पाउडर बना दे, जिसको कुन्नी भी कहते हैं, अगर उस दोनों को जलावे, लकड़ी के टुकड़ा और लकड़ी के कुन्नी दोनों को जलाए, किस कौन आसानी से दहन करेगा, तो सीधे तौर पर कह सकते उसका जो चूर्ण है। तो चूर्ण, अब तुमको पूछा जाए कि उस चूर्ण में और लकड़ी का जो पहले डिफिनिट शेप था, दोनों में से किसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया जो, नहीं, कुन्नी का सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि अब वह टुकड़ा पहले एक जगह ना था सब, अब वह फैल गया है ना, तो सरफेस एरिया, तो देख रहे हो कि जिसका सरफेस एरिया ज्यादा हुआ उसके दहन रिएक्शन का रेट क्या हुआ, ज्यादा हुआ। इट मीन्स अब सॉलिड स्टेट के बारे में कह सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो गया तुमको सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड रिएक्टेंट, इसके सरफेस एरिया का। तो इसके लिए बताया ही कि लकड़ी के टुकड़े और हम लोग कह सकते हैं पाउडर की बात करें तो पाउडर में कंबसन तेजी से होगा, इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया है। अब उसके बाद फिर देखो अगला, अगर नेचर की, मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्टेंट है जिसके बीच बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, तब
केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं? पुराने बंध का बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, ये हम लोगों को केमिकल रिएक्शन कहलाता है। तो कोई रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में बदलेगा तो पहले पुराना बॉन्ड टूटेगा, तो इसका मतलब पुराना बंध जिसका अगर बहुत स्ट्रांग होगा तो वह आसानी से टूटेगा ही नहीं, तो प्रोडक्ट के बनने का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह स्लो हो जाएगा। और जब बॉन्ड एनर्जी कम होगा, इट मीन्स बॉन्ड जब वीक होगा, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा, सीधी बात है। तो हम लोग देख रहे हैं अब यहाँ पर कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी कह सकते हैं। कि बॉन्ड एनर्जी, इट इज बॉन्ड तोड़ने में बहुत एनर्जी लग रहा है, इसका मतलब बॉन्ड स्ट्रांग है। अगर एनर्जी अधिक होगा बॉन्ड एनर्जी, तो रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। और बॉन्ड एनर्जी कम होगा, इट मीन्स बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये सब देख रहे हो, सब कारक है जो कि रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर रहा है। हम लोग अगर बात करें फिर कंसंट्रेशन की, अब सांद्रण कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करता है, तो दूसरा हम लोग कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट भी कह सकते हैं, सांद्रण। तो हम लोग सांद्रण की अगर बात करते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की अगर बात करें, कंसंट्रेशन सांद्रण, देख लो। तो सांद्रण में सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल इक्विलिब्रियम 11th का ही बात है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब सीधा हो गया कि अगर कंसंट्रेशन अधिक होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इट मीन्स कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट अगर अधिक होगा तो निश्चित रूप से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, अधिक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन अधिक होगा। सीधी बात है। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन आगे और हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। यह केमिकल इक्विलिब्रियम का ही एक्सप्रेशन है 11th का, आगे लॉ ऑफ मास सेक्शन में हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल करेंगे। फिर सांद्रण के बाद हम लोग टेम्परेचर का लेते हैं, ताप, टेम्परेचर, टेम्परेचर की हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहले एकदम देखो सिस्टम है टेम्परेचर के प्रभाव को। ये टेम्परेचर, उष्मा, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, उष्मा ऊर्जा का रूप है। अगर ऊर्जा का रूप है तो ऊर्जा एनर्जी पाकर के कोई भी कण एक्साइटेड होता है। तब मान लीजिए जैसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कॉलिजन करेगा, उस कॉलिजन में जो इफेक्टिव कॉलिजन होगा उससे प्रोडक्ट प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग लिखे रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, मतलब प्रभावी टक्कर किसके बीच, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो सीधी बात है कि एनर्जी बढ़ेगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर टेम्परेचर जो हम लोग बात करें कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ध्यान से देखो, रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, टेम्परेचर देख लीजिए, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी रिएक्टेंट का। अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो कोई भी कह सकते हो कि एनर्जी पाकर के पार्टिकल्स एक्साइटेड होगा और जोर से टक्कर करने लगेगा, इट मीन्स इफेक्टिव कॉलिजन का नंबर बढ़ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन, अब जो ध्यान नहीं दोगे उसको कभी नहीं समझ में आएगा, इफेक्टिव कॉलिजन, कॉलिजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के ऑफ रिएक्टेंट्स। देख लीजिए, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल ज्यादा एक्साइटेड होगा, ज्यादा कॉलिजन करेगा तो इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या बढ़ जाएगी। अब सीधी बात है कि हम लोगों को रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन पहले देख चुके हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, इफेक्टिव कॉलिजन ऑफ, कॉलिजन ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल्स।
अब देखो ध्यान दो, यहां पर ध्यान दो, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, सब प्रोपोर्शनल रिलेशन में है। तो हम लोगों को तो रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन किसके साथ निकालना है, टेम्परेचर। तो कोई भी इससे आप निकाल सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। देख लीजिए ऐसे डिस्कस कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का, एनर्जी बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। इसका मतलब सीधा है कि रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर का सीधा प्रोपोर्शनल हो गया। दो मिनट अब देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ तीसरा हम लोग गए फोर्थ नंबर में देख रहे कैटलिस्ट उत्प्रे इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट इट मींस हो गया तुमको उत्प्रेरक, इसको हम लोग उत्प्रेरक करते। देखो वैसे कैटलिस्ट का सारा डिटेल हम लोग अगला एक जो यूनिट सरफेस केमिस्ट्री है उसमें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर जो मुख्य रेट ऑफ रिएक्शन का टर्म है उसको एक बार जान लेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। एक मिनट ध्यान दो, इसको सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। अब देखें जैसे अब तुमको जो कैटलिस्ट होते हैं तो मोटे तौर पर यहाँ पर जान लीजिए कि कैटलिस्ट को दो भाग में पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग माने, तो जो पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है और जो निगेटिव कैटलिस्ट होता है वह रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है। तो इसका मतलब यहाँ पर देख लीजिए तो कैटलिस्ट मतलब वैसा पदार्थ जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित करे, तो प्रभावित में बढ़ना और घटना दोनों होगा, तो जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिसमें घट जाता है वह निगेटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पर देख लो अगर तुम्हारा पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब घटेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा अगर निगेटिव कैटलिस्ट आ गया तो एक्टिवेशन एनर्जी यह इंक्रीज करेगा, और जब यह इंक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कर जाएगा। ये बात अभी हम लोग टर्म्स के रूप में जाने, डिटेल के लिए अब एक्टिवेशन एनर्जी के बाद कैटलिस्ट, इसके बारे में पूरा डिटेल हम लोग आगे आगे के टॉपिक पर देखेंगे।